दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले ही बताना चाहती हूँ कि यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है और किसी की फरमाइश पर लिखी गई है। कहानी के अंत में एक दर्द से भरे दिल ने आपसे एक सवाल किया है, उम्मीद है कि आप जवाब जरूर देंगे। तो चलिए कहानी शुरू करती हूँ। त्रिशा अपनी 5 वर्षीय बेटी पीहू के साथ मायके से ससुराल जा रही थी। रास्ते में रह कर उसकी आंखें भर जा रही थी। 10 दिनों तक मायके में रहने के बाद वापस लौटते समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका बहुत कुछ पीछे छूटता जा रहा है। हालांकि स्टेशन तक उसके पापा और माँ उसे छोड़ने के लिए आए थे, लेकिन तब से उसका मन और भारी हो गया था। जब उसने अपने पिता गजेंद्र जी को प्रणाम किया और उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा, तो पता नहीं क्यों उसके मन में ऐसा आया कि अब पता नहीं मैं पापा से कभी मिल पाऊंगी या नहीं। ऐसा ख्याल मन में आते ही उसका मन भारी हो गया और वह अपने पापा के गले लगकर फुट फुट कर रो पड़ी। वैसे तो उसके पापा स्वस्थ ही थे, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से ही उसके मन में यह ख्याल आया था। त्रिशा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। यह ख्याल मन में आते ही वह सोचने लगी कि मेरे तो कोई भैया भाभी भी नहीं है, तो एक दिन मेरा मायका तो खत्म ही हो जाएगा। रास्ते भर उसके मन में यही सारे विचार आ रहे थे। हालांकि यह तो सभी को पता होता है कि सभी को एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है, लेकिन जब तक सब कुछ सामान्य रहता है तब तक इंसान उस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। लेकिन आज रह कर त्रिशा के मन में यही बातें आती जा रही थी। जब वह घर पहुंची तो उसके पति रोहन ने बहुत प्यार से उसका स्वागत किया और कहने लगा, तुम मायके जाती हो तो यह घर मुझे काट खाने को दौड़ता है। तभी उसकी बेटी उछलकर उसकी गोद में चढ़ गई और कहने लगी, पापा क्या आपको मेरी याद नहीं आती? रोहन कहने लगा, आप तो मेरी जान हो मेरी प्रिंसेस, पापा आपके लिए नए टॉयज लेकर आए हैं, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। इतना कहकर वह उसे कमरे में लेकर चला गया और इधर त्रिशा सोफे पर अपना सिर पकड़कर बैठ गई। उसका मन भारी हो रहा था तो उसने तुरंत ही अपने पापा को कॉल लगाया और उनसे बातें करने लगी। उसके पापा कहने लगे, बेटा तू चली गई है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा मन तो पीहू में ही अटका हुआ है। उसकी प्यारी प्यारी बातें, उसकी शरारतें मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। तुम्हारे जाने के बाद ये घर बिल्कुल खाली हो गया है। त्रिशा तड़प उठी और कहने लगी, पापा तभी तो मैं कहती हूँ कि आप इसी शहर में एक घर ले लीजिए, हम सब साथ ही रहेंगे। उसके पापा कहने लगे, बस बेटा मैं रिटायर हो जाऊँ फिर तेरी बात पर विचार करूँगा। उसके पापा के रिटायरमेंट में केवल 4 साल ही बाकी थे और वह सोचते थे कि पापा जब रिटायर हो जाएंगे तो अपने मम्मी पापा को इसी शहर में रहने के लिए कहेगी ताकि वह उनके आसपास ही बनी रहे, क्योंकि आखिर वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी तो बुढ़ापे में उसे ही अपने माता पिता का ध्यान रखना था। उसने तो रोहन से भी इस बारे में बात कर ली थी और रोहन भी इस बात के लिए तैयार था। रोहन के माता पिता तो अपने छोटे बेटे के साथ विदेश में रहने के लिए चले गए थे, तो रोहन को भी लगता था कि सास ससुर पास में होंगे तो अच्छा ही होगा। लेकिन त्रिशा की माँ का अपने मायके वालों से ज़्यादा लगाव था और वह सोचती थी कि जब उनके पति रिटायर होंगे तो वह अपने मायके की तरफ रहने के लिए चली जाएगी। खैर आगे क्या होने वाला था यह तो किसी को पता नहीं था। अभी त्रिशा को मायके से आए हुए 8 महीने ही हुए थे कि एक शाम उसकी माँ ने रोते हुए फ़ोन किया और वह कहने लगी कि बेटा तेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, वह तुझसे मिलना चाहते हैं। त्रिशा घबरा गई और तुरंत ही अपने पति और बेटी के साथ पापा से मिलने के लिए निकल पड़ी। लेकिन यह उसका दुर्भाग्य ही था कि सुबह जब तक वह घर पहुंची तब तक उसके पिताजी स्वर्ग सिधार गए थे। वह जैसे ही अपने घर के बाहर पहुंची तो आंगन में काफ़ी भीड़ जमा थी, जिसे देखकर उसका हृदय धक से रह गया। घर के भीत्तर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। त्रिशा कांपते कदमों के साथ घर के भीतर पहुंची तो आंगन में अपने पापा की मृतदेह देखकर ही चक्कर खाकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। रोहन बड़ी मुश्किल से उसे संभाल रहा था। पीहू अलग ही रोए जा रही थी, वह भी अपने नाना जी की बहुत करीब थी। रोते रोते उसका गला सूखने लगा। रोहन बड़ा परेशान हो गया। एक तरफ उसकी सासू माँ भी रो रही थी। रोहन ने अपने मन को मजबूत करते हुए कहा, त्रिशा उठो, देखो मम्मी जी कितना रो रही हैं, तुम उन्हें संभालो प्लीज। तुम्हें इस तरह होश खो दोगी तो पीहू और मम्मी जी को मैं अकेले कैसे संभालूंगा। त्रिशा अपनी माँ के पास गई और उनके गले लगकर फुट फुट कर रोने लगी। घर में विलाप का माहौल था। तभी बाहर ऑटो के रुकने की आवाज आई। त्रिशा की 3 मौसियां अपने बच्चों सहित ऑटो से उतरी। पीछे पीछे कार से उसके मामा मामी भी घर के भीतर आए। उन लोगों को देखते ही त्रिशा की माँ भागते हुए उन लोगों के पास गई और उन लोगों से लिपट कर रोने लगी। इधर त्रिशा अपनी बेटी को गले से लगाकर रोए जा रही थी, क्योंकि पीहू का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। उसे पीहू के लिए बड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि पीहू रोज रात को अपने नाना जी से फोन पर बातें करती थी, उन्हें गाना सुनाती थी, उनसे पहेलियाँ पूछती थी।
लेकिन अब वह सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया था। त्रिशा के मन में यही चल रहा था कि अब मेरी पीहू किससे फ़ोन पर बातें करेगी, क्योंकि उसकी माँ उन लोगों से ज़्यादा फ़ोन पर बातें नहीं करती थी। वह ज़्यादातर अपनी बहनों और भैया भाभी से ही फ़ोन पर गप्पे लड़ाती रहती थी। आज भी जब से उनके मायके वाले आए थे तब से वह उन्हें लेकर कमरे में ही बैठी हुई थी। थोड़ी देर के बाद पड़ोस के एक लड़के ने आकर त्रिशा से कहा, दीदी आपको आपकी मम्मी कमरे के भीतर बुला रही है। त्रिशा अपनी माँ के कमरे में पहुंची तो उनके मायके वाले उन्हें घेर कर बैठे हुए थे। त्रिशा की मम्मी कहने लगी, त्रिशा ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारी मौसी कह रही है कि उन्हें आए हुए इतनी देर हो गई और अभी तक तुमने इन लोगों से चाय पानी भी नहीं पूछा। त्रिशा हैरान रह गई। वह कहने लगी, माँ मैं तो पापा के पास बैठी थी, आंगन में उनकी मृतदेह पड़ी है और आप लोग। उसकी माँ उसकी बात बीच में काटते हुए गुस्से में चिल्लाई, अरे तुम्हारे पापा की मृतदेह आंगन में पड़ी है तो क्या इस बहाने से तुम मौसी लोगों को पानी भी नहीं पूछोगी। त्रिशा हैरान थी कि मातम के माहौल में भी इन लोगों को मेहमान नवाजी की पड़ी हुई है। उसने दुखी स्वर में कहा, माँ मुझे बहुत रोना आ रहा था, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि ऐसे गम के माहौल में भी लोगों को चाय पानी की पड़ी होगी। इतना कहकर वह रोने लगी तो उसकी माँ गुस्से में बोली, तुम बहुत गैर जिम्मेदार हो, शादी हो गई है तुम्हारी लेकिन अभी तक तुम्हें यह समझ नहीं है कि जिम्मेदारी कैसे उठाते हैं। त्रिशा हैरान रह गई और सिसकते हुए कहने लगी, माँ मौसी लोगों ने शिकायत की तो चलो उनका तो समझ में आता है, लेकिन माँ हमें पापा के जाने का कितना दुख है, ऐसे माहौल में यह लोग हमें सहारा देने आए हैं या अपनी आवभगत करवाने के लिए, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कहते कहते वह बिलख उठी तो उसकी माँ कहने लगी, तुम रोने का नाटक करके अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रही हो, मेरे मायके वाले आए हैं और तुमने उन्हें पानी तक नहीं पूछा, ये लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम गैर जिम्मेदार हो। अब तो त्रिशा से सहन नहीं हुआ, वह कहने लगी, ठीक है माँ अगर इन सभी को और आपको ऐसा लगता है कि मैं गैर जिम्मेदार हूँ तो ठीक है, मुझे गैर जिम्मेदार रहने दीजिए, मुझे किसी की नज़रों में खुद को जिम्मेदार साबित करने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी पापा के जाने के दुख से ज़्यादा अपने मायके वालों की नाराजगी की पड़ी है। मैं तो यहाँ आपके लिए और पापा के लिए आई थी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ आने के बाद ऐसे माहौल में लोग मुझे ही गैर जिम्मेदार होने का सर्टिफिकेट देने लगेंगे। तभी उसका पति रोहन भी कमरे में आ गया और अपनी पत्नी के कंधे को पकड़ते हुए बोला, चलो यहाँ बहस करने से कोई फायदा नहीं है, थोड़ी देर में पापा जी को लेकर चले जाएंगे, तब तक तुम बाहर थोड़ा वक्त बिता लो, क्योंकि जीते जागते इंसान तो बस आरोप लगाने में ही लगे हुए हैं। इतना कहकर वह अपनी पत्नी को कमरे से लेकर चला गया। आज त्रिशा को बहुत दुख हो रहा था कि ऐसे दुख के माहौल में भी लोगों को अपनी अवगत करवाने की पड़ी हुई थी, और सबसे ज़्यादा हैरानी तो उसे इस बात की हो रही थी कि माँ भी उन लोगों का पक्ष लेकर ही बोल रही थी। शाम को उसने देखा कि मौसा जी बाहर से समोसे और कचौड़ी लेकर आए थे। माँ ने चाय बना ली थी, सभी लोग चाय नाश्ते के साथ इधर उधर की बातें कर रहे थे। अब त्रिशा की माँ अपने भाई और बहनों से कह रही थी कि अब तो मैं तुम लोगों की तरफ ही घर लेकर तुम लोगों के साथ ही रहूँगी। त्रिशा तो इतनी गैर जिम्मेदार है कि तुम लोगों को चाय पानी तक नहीं पूछी तो मेरी सेवा क्या खाक करेगी। यह सब सुनकर त्रिशा सन्न रह गई थी, लेकिन अब कुछ भी बोलने की उसमें ताकत नहीं बची थी। वह लोग ऐसे ही बातचीत कर रहे थे और बीच बीच में कोई उसके पापा के बारे में भी दो चार अच्छे शब्द बोल देता था। त्रिशा को हैरानी हो रही थी कि उसकी माँ भी उन लोगों का साथ ही दे रही थी। खैर अगले दिन वह भी वहां से निकल गई थी, क्योंकि उस घर में सब उसे कोसने में ही लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को भी गजेंद्र जी के मृत्यु से कुछ लेना देना ही नहीं था, सबको बस अपने चाय पानी की पड़ी थी और उसकी माँ को बस अपने मायके का ही मोह था। हालांकि सभी लोगों ने उस पर गैर जिम्मेदार होने का लेवल चढ़ा दिया था, लेकिन त्रिशा सोचती थी कि अगर किसी और वक्त में उसके घर पर मेहमान आते तो वह मेहमान नवाजी जरूर करती, लेकिन इतने दुख की घड़ी में अगर उसे किसी से चाय पानी पूछने का होश नहीं रहा तो आखिर इसमें उसकी क्या गलती थी। दोस्तों आप बताइए, अगर ऐसे माहौल में त्रिशा ने उन लोगों से चाय पानी नहीं पूछा था तो क्या वह सचमुच गैर जिम्मेदार थी? क्या दुख के माहौल में भी इतनी औपचारिकता दिखाने का होश रहता है? आप सभी त्रिशा के लिए दो शब्द जरूर लिखें जिससे कि उसके बिलखते मन को थोड़ा सहारा मिल सके। तो दोस्तों आप बताइए, क्या सचमुच वो बेटी गलत थी? आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरी लिखी हुई और नई कहानियों के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।